Hello, traders and investors. This is Dr. Ishant Luthra on behalf of Kedia Advisory welcomes you all to the Daily Equity Podcast. Thursday ke din Nifty ki weekly expiry hume ek flattish note par trade hota hua Nifty dikhai diya. Ek choti si range mein consolidation phase mein hume pura din trade karta hua dikhai diya. Jahan par Nifty ki previous closing 24,435 ke mukable 36 points ke minus se cut 0.15% down Nifty trade close hota hua dikhai diya. 24,400 के 12 के लेवल पर निफ्टी की क्लोजिंग रही. दिन के दौरान हाई जो था वो 24,480 के लेवल का था, लो जो बना निफ्टी का वो 24,341 के लेवल पर रहा. बैंक निफ्टी की वही अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में हमें पॉजिटिव गेन्स देखने को मिले, करीब 0.5% के 300 पॉइंट्स की बैंक निफ्टी में तेजी देखी गई. प्रीवियस क्लोजिंग 51,240 के लेवल पर रही थी, उसके मुकाबले 51,201 के आसपास हमें एक लो देखने को मिला. दिन के दौरान हाई जो बैंक निफ्टी में लगा वो 51,781 के लेवल पर था, 51,565 पर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग रही. फिर निफ्टी की अगर हम बात करें तो फिर निफ्टी में 100 पॉइंट्स के पॉजिटिव गेन्स हमें देखने को मिले, लगभग आधे परसेंट की तेजी हमें देखने को मिली. 23,752 के लेवल पर हमारी प्रीवियस क्लोजिंग थी, 23,731 का दिन के दौरान लो लगा. हाई जो था वो फिर निफ्टी में 23,965 के लेवल पर बना और 23,872 के लेवल पर फिर निफ्टी की क्लोजिंग रही. यूएस मार्केट्स की अगर हम बात करें तो डाउ जोन्स करीब 0.5% लॉसेस के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है. S&P 500 ऑन ए फ्लैटिश नोट काम करता हुआ दिखाई दे रहा है और नैसडेक में 0.5% के गेन्स देखे जा सकते हैं. गिफ्ट निफ्टी की अगर हम बात करें तो 25 पॉइंट्स के कट्स के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे 24,434 के लेवल पर. निफ्टी की अगर हम बात करें टेक्निकल आउटलुक तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला था. प्राइसेस 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं. इंपॉर्टेंट लेवल्स जो निफ्टी के लिए रहेंगे वो हमारी प्रीवियस क्लोजिंग 24,400 के करीब थी. ऊपर की तरफ निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा वो 24,600 और 24,800 का लेवल रहेगा. निफ्टी के लिए की सपोर्ट 24,250 के लेवल पर देखने को मिलेगा. बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया. 51,531 के लेवल पर हमारी क्लोजिंग रही. 51,800 और 52,000 के लेवल बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेंगे. की सपोर्ट लेवल बैंक निफ्टी का जो रहेगा वो 51,100 के आसपास का रहेगा. फिन निफ्टी की अगर हम बात करें तो फिन निफ्टी भी 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है. 23,854 के लेवल पर हमारी प्रीवियस क्लोजिंग रही. फिन निफ्टी का रेजिस्टेंस 24,000 के लेवल पर है और फिन निफ्टी का सपोर्ट जो हमें मिलेगा वो 23,500 के लेवल पर देखने को मिलेगा. निफ्टी के ऑप्शन डाटा की अगर हम बात करें तो 24,400 के लेवल के करीब हमारी निफ्टी की क्लोजिंग रही थी 0.15% ऑन द नेगेटिव साइड. हाइएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी में जो देखने को मिल रहा है वो 24,500 के लेवल पर है. हाइएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 25,000 के लेवल पर है. हाइएस्ट वॉल्यूम पुट 22,250 के लेवल पर है. हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल 24,500 के लेवल पर है. फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 22,250 के लेवल पर देखने को मिला और वहीं फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 24,500 के लेवल पर देखने को मिला. निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.76 पर है. बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी का जो हमारा क्लोज रहा वो 51,531 के लेवल 0.57% के पॉजिटिव गेन्स हमें देखने को मिले. हाइएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट 51,000 के लेवल पर है. हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 52,500 के लेवल पर है. हाईएस्ट वॉल्यूम पुट 51,500 के लेवल पर है और हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल भी हमें 51,500 के लेवल पर देखने को मिल रहा है. फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 51,000 के लेवल पर है. फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 52,500 के लेवल पर है. बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.91 पर है. टेक्निकल स्टॉक पिक्स ऑफ द डे की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बजाज ऑटो में एक बियरिश पैटर्न का हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला. 10,300 रुपए के नीचे एक सेल ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है. 10,200 रुपए के टारगेट्स के लिए 10,400 रुपए के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा. टाइटन की अगर हम बात करें तो आवरली टाइम फ्रेम पर एक फॉलिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला. 3,337 रुपए के ऊपर एक बाई ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है. 3,375 रुपए के टारगेट्स के लिए 3,300 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा. टीसीएस में 4 आवरली टाइम फ्रेम पर एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है. 4,055 रुपए के ऊपर एक बाई ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है. 4,120 रुपए के टारगेट्स के लिए 4,000 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा. टाटा कंज्यूमर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है. 1,000 रुपए के ऊपर एक बाई ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है. 1,015 रुपए के टारगेट्स के लिए 985 रुपए के नीचे हमारा एक स्टॉप लॉस रहेगा.
Thank you.